ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के दिए गए बयान पर हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताया है, क्योंकि बाहरी राज्यों के एमबीबीएस को मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियां करने को लेकर मेडिकल एसोसिएशन मुखर है। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का बयान तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि एक और तो स्वास्थ्य विभाग नियमों को ताक पर रखकर बाहरी व्यक्तियों की मेडिकल कॉलेजों में तैनाती कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्री बयान देते नहीं थक रहे हैं कि एमसीआई के नियमों के तहत ही काम हो रहा है। हमीरपुर के दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के द्वारा दिए गए बयान पर हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताया है। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एक ओर तो स्वास्थ्य विभाग नियमों को ताक पर रखकर बाहरी व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्री बयान देते नहीं थक रहे हैं कि एमसीआई के नियमों के तहत काम हो रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ की लंबे समय से एमसीआई के नियमों के तहत नियुक्तियां करने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे दरकिनार करती रही है। उन्होंने कहा कि एमसीआई के नियमों को लागू करने पर प्रदेश के काबिल डॉक्टरों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी काबिल डॉक्टर और फैकल्टी मिलेगी। संघ की भी हमेशा, हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की भी हमेशा यही मांग रही है कि एमसीआई के नियमों के तहत ही जो है इन नए मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो भर्तियां हों। तो जैसा आज हमीरपुर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि एमसीआई के नियमों के तहत ही मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की काबिलियत को देखते हुए उनको वहां पे भर्ती किया जाएगा, तो हमारी भी हमेशा संघ की पिछले 1.5-2 साल से यही मांग रही है कि एमसीआई के नियमों को अक्षरश प्रदेश में लागू किया जाए। जैसे कि एमसीआई के नियमों के तहत जो एपी बनने के लिए जो एसआरशिप है वो सिर्फ 1 साल की होती है, लेकिन हमारे राज्य में 3 साल की है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि एमसीआई के नियमों को सरकार लागू करे, ताकि जो प्रदेश के अंदर इतने काबिल हमारे डॉक्टर हैं वो उनको फायदा मिले और वो इन नए मेडिकल कॉलेजों में एज फैकल्टी जो है वहां पे ज्वाइन करें, और हमारे जो आने वाले भविष्य के एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो इस हमारे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बने वो भी एक अच्छे स्तर के बने और उनको एक बढ़िया और काबिल फैकल्टी मिले। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार का कहना है कि प्रदेश के अंदर काबिल डॉक्टरों के नहीं मिलने के वजह से बाहरी राज्यों के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमसीआई के नियमों के तहत ही प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जा रही है। ऐसा है कि डॉक्टर्स बनाने के लिए हम कहीं किसी गाँव से उठा करके पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर को नियुक्त नहीं करते। एमसीआई के नियम है, उन्हीं नियमों के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग, रिक्वायरमेंट पूरा करने वाले हिमाचल के मिलेंगे तो उनको रख लेंगे, और अगर देश से मिलेंगे तो उनको रख लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा, नाहन और हमीरपुर में बाहरी प्रदेशों के डॉक्टरों की तैनाती का दौर जारी है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन लंबे समय से विरोध जताते हुए संघर्ष कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इसके विपरीत दिए गए बयान से मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हैरान है।